नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद के अवैध निर्माण पर तोड़कर कार्यवाही करने गई नगरपालिका विभाग के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यवाही के विरोध में बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए और इस बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग का प्रयास भी करना पड़ा। स्थिति बेकाबू होता देख अधिकारियों के कुछ समय के लिए कार्यवाही को उन्हें रोकना पड़ा और मस्जिद पर कार्यवाही के विरोध में एक समुदाय की महिलाएं और पुरुष महानगरपालिका कार्यालय पहुंच गए। वह नगरपालिका के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। समाज के लोग मामले को कोर्ट में होने की बात कर रहे थे और उनका कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो कार्यवाही क्यों की जा रही है। एक महीने पहले कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई थी। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले यह ऑर्डर निरस्त हो गया और जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने फिर से अर्जी दाखिल की है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को है। दरअसल कोल्हापुर की लक्ष्य तीर्थ कॉलोनी में स्थित एक मस्जिद पर कुछ हिंदू संगठन और अवैध निर्माण की मांग कर रहे हैं। शिकायत पर महानगर पालिका के शहरी नियोजक विभाग ने निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुधवार की सुबह मस्जिद स्थल पर पहुंची। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम को देख मस्जिद पर एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और वह कार्यवाही का विरोध करने लगे। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो कार्यवाही क्यों की जा रही है। नगरपालिका अधिकारी विरोध कर रहे लोगों को समझाने लगे। वहीं विरोध के चलते पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। स्थिति को बेकाबू होता देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही पर कुछ समय तक रोक लगाई है। फिलहाल डेमोलिशन रोक दिया गया है।